ये चंद्रू, आपका सर्टिफिकेट, आपने लर्निंग कोर्स पूरा कर लिया है, इट्स फॉर यू, पिक्चर प्लीज, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, आपको इसको फ्रेम करवाना, अपनी शॉप में लगाना, ठीक है, ओके भाई। फोटो, हाँ फोटो। और कुछ आपको कुछ बोलना है, कुछ बोलना है आपको, कुछ अपनी कन्नड़ में बोल दो, अपनी कन्नड़ में बोल दो, बोल दो अपनी, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಮೇತ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ। ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, वैसे तो आप इस चीज़ में ट्रेंड हो चुके हो, फिर भी हमारा एक सिस्टम रहता है कि आपने हमसे कोर्स सीखा है, हमने कोर्स, हमसे कोर्स किया आपने, तो आपको 2 महीने तक आप कोई बाइक, ऐसी बाइक कर रहे हैं जो बाइक आपको समझ में नहीं आ रही, जिस बाइक पे जो पार्ट टिपिकल है करने में आपको हेल्प चाहिए, तो विद इन 2 मंथ्स आप 2 महीने तक हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उसके अंदर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। एंड कुछ भी टूल्स वगैरह की नीड हो तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, ओके। मिल्ट्री ग्रीन कितने टाइम पहले करवाया था? 3 इयर्स, 3 साल पूरे हो गए, याद है आपको इस तरह से? बाइक कम यूज़ करते हो क्या? अच्छा, फिर भाई मेंटेन है, कहीं भी टचिंग ख़राब कहीं से नहीं है ना। कौन सा कलर की थी? सिल्वर दिख रही है यहाँ से, सिल्वर थी क्या या ग्रे? अच्छा, गन मेटल ग्रे थी ये, ओके। पूरी ठीक पड़ी अभी तक है ना, ज़्यादा कहीं ख़राब नहीं हुई है। कौन सा कलर करें अभी? तो आपने तो अपने हिसाब से, हिसाब से फिर भी आप कुछ रिकमेंडेशन, आपके हिसाब से कोई चॉइस तो होगी, चलो कुछ कलर चूज करते हैं इसके लिए भी। आपको ग्रे साइड में रखना हो तो ग्लोस नार्डो ग्रे करवा सकते हो, ग्रे साइड में रखना हो तो इस टाइप से, देखो ये आता है, जो ये वाला आता है, ये नया कलर है थोड़ा सा, यहाँ इंग्लिश कलर है थोड़ा कम चलता है। आप देखा आपने वो, इन्होंने दिखाया था वीडियो में, ये वाला ग्लोस नार्डो ग्रे है ना, तो ग्रे का ग्रे भी रह जाएगा और वो गन मेटल ग्रे थोड़ा डार्क रहेगा और ग्लोस में रहेगा, ये थोड़ा सा सोबर कलर होते हैं। बुलेट बाइक इस तरीके की बाइक है ना कि उस पर सोबर कलर अच्छे लगते हैं, थोड़े पॉप कलर वगैरह है, कलर तो स्पोर्ट्स बाइक के लिए अच्छे लगते हैं। एंड जो जो ग्रीन पार्ट हो रखा है इस टाइम उनको ग्लोस नार्डो ग्रे में कर देंगे, ठीक है, कम से कम हफ्ता तो लेंगे, हफ्ता प्लस ही लेंगे, ऐसे मान लो हफ्ता तो लेंगे लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी अभी ये ग्रीन ही कर रही है, करी अभी, और अंदर एक बाइक खड़ी है बीकानेर से ही, उसको भी मिल्ट ग्रीन ही करना है, और इनको मिल्ट ग्रीन करवाया है, और इस ग्रीन को रिमूव करना है। अपने हिसाब से कर देना, लेकिन बढ़िया करना, बढ़िया से बढ़िया कर देंगे, बिल्कुल बढ़िया कर देंगे। तो जो जो पार्ट ग्रीन हो रखे हैं वो सारे मिल्ट उसमें हो जाएंगे, ग्लोस नार्डो ग्रे में। साइलेंसर पत्तियाँ वो हो जाएंगी आपके मैट ब्लैक में, एंड सीट कवर वगैरह कौन से मैट ब्लैक लगवा लेते हैं इस पर? अपने हिसाब से लगवा, मैट ब्लैक ही सही रहेंगे, ठीक है। आगे वाले ये इंडिकेटर 16 इंच पर जो दल लगी हुई है चेंज हो जाएगी, प्लेट अभी ठीक पड़ी है, प्लेट टूटी पड़ी है आपकी, प्लेट भी चेंज करनी है? वो अपने हिसाब से, वो तो करनी है, पीछे वाली ठीक पड़ी है, आगे वाले सेम बना, दोबारा बना देंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रिप तो लगाई थी ना साथ में, वो उठा दी क्या या नहीं लगाई हुई थी? हटाई थी उसको? हाँ। अजी तो फुल टैंक रैप किया था पहले ना, अब ओनली इस पे मत लगाओ, दोनों का बाइकों के एक साथ चेंज करवा लेना, साथ में दोनों का सेम करवा लेना, ठीक है ना। अभी तो करेंगे नहीं एक बारी, लेकिन जब करूँगा दोनों साथ कर लूँगा, ठीक है ना। इसका ये भी क्या है, पेंट करवाया क्या इसको? हाँ, इसको रीपेंट करवाया, ठीक करा, रेड था क्या पहले? कोई बात नहीं, दोनों ब्लैक सेम हो गई ना। हाँ, एकदम डिटो सेम करनी है, कोई डिफरेंस, ठीक है। स्टिकर वगैरह भी रिमूव कर देंगे, दोनों स्टिकर सेम कर देंगे।
अभी नहीं है। अच्छा लॉक सेट नया लगा है इसमें तो चाबी गए चाबी अंदर छोड़ दी। शाबाश, अब निकाल इसको। कैसे निकालेगा? तूने ये काम किया मतलब जल्दीबाजी से, अगर मैंने लेट किया है। कैसी लग रही है मैम स्कूटी? आपने जिस कंडीशन में हमें दी थी वैसी लग रही है, थोड़ी चेंज हुई है? नहीं, काफी अच्छी लग रही है, पहले से तो पूरी चेंज हो गई है माना। आपने बोला था हमें ऐसा ग्रीन कलर चाहिए मिलिट्री वाला, तो सेम ही हो गया ना वैसा? सेम हो गया। बाकी कुछ देखो, कुछ पार्ट्स पुराने हैं इसके, लाइक ये डैशबोर्ड के पार्ट हैं अंदर के, तो ये पार्ट्स तो कभी ठीक हो नहीं पाते, पॉलिशिंग से ही हो सकते हैं। इस पर रैप होता नहीं, अदरवाइज ये भी सही हो जाता है इसका। आप सीट कवर ये इस पर सेट हो रहा है, अदरवाइज आप इस पर इन फ्यूचर आप ब्लैक भी करवा सकते हो सेट, ठीक है ना? नहीं, अभी तो एक बार देखा। एक बार तो पड़ा है, हाँ। फिर कभी चेंज करवाना हो ना तो इस कलर का ना, मैट ब्लैक कलर का, हाँ। वो करवा सकते हो, ठीक है? इस पर नंबर प्लेट लगा देते हैं, फिर देते हैं आपको बाइक। The next day क्या करना है? ब्लैक कर दो, ब्लैक रेप कर दो। चीज क्या है ये? ट्रैक्टर का फिल्टर। ट्रैक्टर का फिल्टर जो ऊपर लगता है क्या उसके टॉप पे? जैसे ब्लैक रैप करना, और फिर क्या करना है? इपर वो ये फार्मर बैलगाड़ी लेता लग रहा है ना, फार्मर बैलगाड़ी। अच्छा, वो निशान स्टिकर लगाना है ना, ठीक है। बाइक हो गई वो, इसका कर दे ब्लैक। राम राम भाई जी।
नमस्कार। ले गाड़ी? गाड़ी तो लिया, यहाँ पे तो खड़ी है। तो आप जहाँ से? ये तो हो गई फिनिश। अरे हो गई? गई देनी आज अभी। ओ ओ लो हेलो साहब। और भाई साहब? ओ भाई साहब आ गया। वो क्रोम है, वो कंपनी को, क्रोम कंपनी को है, वो पूरा फिट उड़ो है। और जो बाद में क्रोम लगा हुआ है वो डबल टेप से लगा डर है, तो वो आधो उठ रहे आधो चिपक रहे है। अभी अंदर डस्ट मिट्टी फंस जाए जी टाइम वो पार्ट करा तो वापस बची। तो 12 की जकी भी मतलब एक्सेसरीज है जो एक्स्ट्रा लगवा दिए सारी रिमूव करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा अपने है नहीं, सारी एक्स्ट्रा में ही है। मतलब वैसा कंपनी से तो लग के आई नहीं ना, वो अपने बाद में सारी एक्स्ट्रा है। हैंडल के पास वाली आगे पीछे चारों तरफ लगी हुई है क्रोम, वो एक्स्ट्रा है। पूरी रिमूव होगी वो, और उसको निकालने के बाद वापस लगाना होगा कम से महीने बाद, 20 दिन महीने बाद में। अच्छा बाद में लगती है? महीने या 20 दिन के बाद में, जब ये पूरी स्टिक हो जाएगी एज टू एज, उसके बाद उसको लगाएंगे। क्योंकि बी वाला पार्ट है, सारी एक्सेसरी लगती है एजेस पे, सेंटर में एजेस को लगती नहीं है। अब सेंटर में तो स्टिक बढ़िया हो रखा है यहाँ से, तो बट एजेस पे लगेगी ना तो उसको वापस वो तो टाइट होती है तो खींच मारेगी डबल टेप के साथ में, तो डर रहता है एजेस का निकलने का वापस से। तो एक्सेसरी अपन बाद में ही लगाएंगे, महीने 20 दिन बाद में। सारी एक्सेसरी रिमूव करनी पड़ेगी। अब इस पर भी थी लगी हुई, आ वाली भी है। और नहीं तो इसमें एक्सेसरी जैसे ये लगाए भी करनी होती है? नहीं, इसको निकाले बिना फिर डस्ट आने का डर रहता है। तो उसके अंदर हो जाती है? हाँ बोल रहा हूँ, जैसे कंपनी की लगी हुई है इनबिल्ट स्टॉक आई हुई है साथ में, तो ये इतने तरीके से होती है कि इसमें कहीं डस्ट अंदर घुसती नहीं है। बट जो आफ्टर मार्केट लगती है वो लगती है पार्ट्स के एज पे, तो इसमें मिट्टी रह जाती है। हाँ ये लगवाना पड़ता है, इनबिल्ट आता है साथ में, स्टॉक थोड़ी ना आता है। ये जो साइड मिरर लगा रखा आपने, ये एसएससी होती है ना ये वाली, देखो अब ये कंपनी की है, ठीक है। अब देखो ये देखो कितना दूर हो गया है, ये भी कंपनी से है सारा। अच्छा वैसे कंपनी से है बट कंपनी के एसएससी के अंदर आ गया ये, ये इसका पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। ये पहले से फिटेड है? ये फिटेड होता है ऑलरेडी अंदर, ये तो एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा ठीक है, जिसको बिना रिमूव करे हम कर सकते हैं, जैसे उसको तो नहीं करेंगे, बाकी जो जो करना पड़ेगा उसको कर, अब जैसे ये है इनको तो करना ही पड़ेगा। देखो इतना बड़ा पार्ट है, आप अपने हिसाब से करना। और मतलब कहने का मतलब जो कोई कमी आती है ना वो नहीं आनी चाहिए अपनी, वो बिल्कुल आप चाहे उतारें इसको चाहे बिना उतारें जैसे भी है। ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है।